नमस्कार, स्वागत है आपका रणभेरी 2022 में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है, हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको सदर विधानसभा गोरखपुर और बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। आपको बता दें, आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। हर पार्टी अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है, अपना वोट बैंक बढ़ाने में सभी नेता लगे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल बस सत्ता की गद्दी हासिल करना चाहता है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता को लुभाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य पर अगले वर्ष कौन राज करेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। गोरक्षनाथ मंदिर की वजह से गोरखपुर सदर की सीट अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से गोरखपुर सदर विधानसभा की सीट में सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ गोरखपुर सदर में हैं, जिसकी संख्या 474 है। गोरखपुर शहर में 4 बार से ज्यादा विधायक रहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की छवि जन नेता के रूप में जानी जाती है। अपने विवादित बयानों और जनता के मुद्दों को लेकर उग्र प्रदर्शन के कारण हाल ही में राधा मोहन दास अग्रवाल काफी सुर्खियों में रहे थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता निधि सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता की राय जानी। इस वक्त हम गोरखपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में हैं। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, तो उनके विधायक द्वारा किस तरीके से विकास कार्य किया गया है, उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में, जो कि पिछले 4 बार से लगातार विधायक के पद पर रह चुके हैं, अब तक उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है, क्या विकास है, इसमें हम जनता की राय लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक उन्होंने किस तरीके से काम किया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपके यहाँ के विधायक का? राधे मोहन दास अग्रवाल जी, डॉक्टर राधे मोहन दास अग्रवाल। अच्छा, तो अपने अब तक के कार्यकाल में वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उसके? अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ सड़कें दे रहे हैं। आप संतुष्ट हैं उनके काम से? संतुष्ट ही हैं। तो क्या चाहते हैं आप, इस बार वो फिर से अगर आपको वोट देना हो तो आप फिर से उन्हीं को लाना चाहेंगे विधायक के पद पे? हम लोग शुरू से ही कमल को वोट देते हैं बीजेपी को, तो जो भी लड़ेगा यहाँ से बीजेपी से उसको वोट देंगे, चाहे डॉक्टर राधे, चाहे वो विकास का काम करे या ना करे। नहीं, विकास का काम तो कर ही रहे हैं, अब कैसे विकास करें। तो पूरे गोरखपुर में जल जमाव है, तो अकेले तो निकालेंगे नहीं, उसमें जनता को भी वो करना है कि पॉलीथीन ना डाले नाली में। मैम देखिए, अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरा पर्सनल अपना थिंकिंग है कि अगर कोई भी एक आम नागरिक होने की वजह से अगर कोई भी 100% सेटिस्फाई होता है किसी भी गवर्नमेंट से, तो ये हमारी सोच है कि विकास रुक जाता है। हमें कभी किसी से 100% सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। अभी काम करने के लिए बहुत चीज़ है, बट हाँ, अभी तक जो उन्होंने किया काफ़ी अच्छा किया है। तो क्या लगता है, अगर इस बार वो आएंगे तो किस तरीके की उम्मीद आप रख रहे हैं कि वो आएँ तो ये काम होना चाहिए? कौन सा ऐसा काम है जो अभी नहीं हुआ या हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी शहर की बहुत सी समस्याएं हैं जिस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी बरसात के सीज़न में आप देखिए कि एरिया वाइज पानी जल भराव की समस्या है, तो इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। फाइनली इससे पब्लिक को ही प्रॉब्लम्स होगी। आप यहाँ के जो नगर विधायक हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनका जो काम जो कर रहे हैं वो, तो उनका काम, उनके काम से आप सेटिस्फाई हैं? जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई, नॉर्मल बरसात में विधायक जी के घर के बाहर घुटने तक पानी लग गया था। ये कहीं ना कहीं उनके कार्यों की, उनके विकास के दावों की, उनके खोखले दावों की खुद पोल खोल रहा था। विकास का जितना काम है सारे किए हैं और जनता में लोकप्रिय हैं, तो लोकप्रिय वही है। अपने
स्वभाव से जनता के लिए जहाँ जरूरत पड़ती है खड़े होते हैं, लेकिन पर्सनली अगर देखा जाए तो हम राधा मोहन को नहीं मानते। तो क्या लगता है इस बार आएंगे? शहर में जाके बाहर बाहर का सारी जो भी रोडे हैं वही खाली बनी है। आप मोहल्ले में घुस जाइए, आप गोलघर के पास रायगंज को चले जाइए, उधर चले जाइए, जापरा बाजार चले जाइए, और जगह चले जाइए, देखिए गड्ढे गड्ढे हैं खाली। वहीं आपको बता दें, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे इस विधायक की छवि आजकल योगी विरोधी के रूप में ज्यादा जानी जाती है। कहा जाता है कि डॉक्टर राधामोहन दास मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। हाल ही में पार्टी ने उन्हें विधानसभा के सचेतक पद से हटाया था। आइए आपको बताते हैं सदर विधानसभा गोरखपुर से कौन कौन रह चुका है विधायक। वर्ष 2002 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रत्याशी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने 38,830 वोट पाकर विधायक बने। वर्ष 2007 में फिर महासभा के प्रत्याशी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने 49,714 वोट पाकर बीजेपी का परचम लहराया। वर्ष 2012 में फिर राधा मोहन दास ने रिकॉर्ड 80,680 वोट पाकर जीत हासिल की। वहीं फिर 2017 में डॉक्टर राधा मोहन दास ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर विधायक बने। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में किस पार्टी को कौन सी सीट में जीत मिलेगी, ये बात बता पाना अभी मुश्किल है। के न्यूज इंडिया के लिए निधि सिंह की रिपोर्ट। तो गोरखपुर की जो सदर विधानसभा सीट है, ये लगातार बीजेपी के खाते में जा रही, चाहे सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो 2007 की बात हो, 2012 की बात हो, चाहे 2017 की बात हो। लेकिन 2022 में क्या परिस्थितियां बदलती हैं या फिर ये जीत का सिलसिला जो लगातार बना रहेगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गोरखपुर से रीजनल हेड रामशंकर यादव जुड़ गए हैं। रामशंकर, अगर बात करें राधा मोहन दास अग्रवाल की, ये वो नाम है जो अपनी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन अब जो खबरें भी आ रही हैं कि मुख्यमंत्री काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन अभी कुछ समय से पहले से जब से इनको सरकार मंत्री नहीं बनाया गया तो थोड़ी नजदीकियां कम हुई हैं, दूरियां हो गई हैं, क्या इसका नुकसान पहुंच सकता है इस बार विधानसभा चुनाव में? जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि राधा मोहन दास अग्रवाल पिछले 4 बारों से लगातार गोरखपुर सदर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। हालांकि ये अपनी करतूते के वजह से हमेशा ऊटपटांग बयान और ऊटपटांग कामों की वजह से ये चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ से इनकी मंत्री न बनने को लेकर तमाम ऐसी बातें हैं जो मंत्री न बनने को लेकर भी नाराजगी जताई जाती है। क्योंकि जिस तरह से ये नाराजगी जताई जाती है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस बार निश्चित तौर से इनके सहयोग में उतरते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल की जो छवि थी या यूं कहें कि हैं, इससे अभी भी जनता उनके प्रति निश्चित तौर पर संवेदनशील है और उनको कहीं ना कहीं जिताने के लिए अग्रसर है। जी रामशंकर, कहीं ना कहीं गोरखनाथ पीठ जो है इसका बहुत जिम्मेदारी होती है और इसका बहुत महत्व है, जितनी विधानसभा हैं और खासकर सदर विधानसभा की बात करें तो ये भी कहा जाता है, अंदर खानी खबर ये है कि अगर प्रत्याशी चाहे राधा मोहन हो चाहे कोई हो, अगर पीठ जिसका सपोर्ट कर दे तो उसका बेड़ा पार है, चाहे प्रत्याशी कोई हो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही मैं आपको 19.5 साल पीछे लेके चलता हूँ। ये राधा मोहन दास अग्रवाल जो अखिल हिंदू महासभा से चुनाव लड़े थे, जो बीजेपी के प्रत्याशी को तकरीबन काफी वोटों से हराया था, तो निश्चित तौर पर अगर मत जिसके ऊपर हाथ जिस भी प्रत्याशी के ऊपर हाथ पड़ जाए, उस प्रत्याशी की जीत निश्चित है गोरखपुर विधानसभा से। जी वही रामशंकर, जो योगी सरकार के खिलाफ अभी इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, कुछ मोर्चा भी खोला था, कुछ अपनी मांगों को लेकर, पार्टी के विधायक अगर इस तरह का और उन्हीं की सरकार है प्रदेश में, तब अगर चीजें सामने आती तो कहीं ना कहीं ये भी खबर आती है कि इस बार हो सकता है प्रत्याशी जो है वो बदल दिया जाए या फिर राधा मोहन ही प्रत्याशी रहेंगे। जी बिल्कुल, अभी इस चीज पे चूंकि हमें जानकारी नहीं और हम कुछ तरह से ये चाहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी प्रत्याशी बदले, लेकिन जिस तरह से अब तक मंत्री बनाने को लेकर राधा मोहन दास अग्रवाल नाराज रहे और बीजेपी को लेकर तमाम ऐसे ऊटपटांग काम करते रहे, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई अगर देखिए होना होता तो अब तक हो गया होता, लेकिन जिस तरह से टिकट की बात है, यूं कहें कि गोरखपुर सदर विधानसभा बहुत ही
संवेदनशील जगह है और यहां से बीजेपी का प्रत्याशी निश्चित तौर से जीत हासिल भी करेगा। तो जिस तरह से अभी तक जो जानकारी है इसमें अभी भी टिकट जो है राधामोहन दास अग्रवाल को ही है, लेकिन आने वाले समय में हाईकमान या योगी आदित्यनाथ क्या निर्णय लेते हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल मुश्किल होगा। रामशंकर एक बात ये भी, जब इनको मंत्री पद नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से मंत्री नहीं बनाया गया, तो वापस ये अपने क्षेत्र में आ गए और लोगों की सेवा में लग गए। सेवा भाव के लिए जाना जाता है, लोगों की सेवा करते हैं। साथ ही साथ ये बीएचयू से 5 साल प्रोफेसर रहे हैं, एमबीबीएस डिग्री है, पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं, तो बच्चों के इलाज भी करते रहते हैं जब इनको समय मिलता है। तो एक समाज में इनकी अच्छी भूमिका है, लोग इनको पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि समाज में राधा मोहन दास अग्रवाल की छवि अच्छी है और ये जनता को टाइम भी देते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं लोग इनसे यूं कह लें कि खुश भी होते हैं। और हर कोई, अभी हमारे साथ एक लोग महिला हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं, हम बात करते हैं। आप यहाँ के जो इस समय वर्तमान विधायक हैं, क्या कहना उनके बारे में? अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन विधायक हम लोग को ऐसा चाहिए जो बच्चों को रोजगार दे सके। आने वाले समय में आप कैसा विधायक चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि अच्छा, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार मिल सके। और भी हमारे साथ लोग कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ जी आप बताएं, जो आपके अभी विधायक हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 20 साल से लगातार जो है बीजेपी के ही विधायक हैं और आज भी हमारे यहाँ शहर में आप देखिए तो मतलब एक घंटे अगर ढंग से बारिश हो जाए तो पूरा शहर डूब जाता है। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, बड़ा मतलब शर्म आती है कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के बाद 20 साल से एक ही विधायक होने के बाद भी आज भी शहर की स्थिति वैसे की वैसे है जैसे पहले थी। तो मुझे इस तरीके के मतलब विधायक बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा विधायक ऐसा हो कि जो जनता के बीच में हो, लोकप्रिय हो, उनका अपना खुद का ही घर डूब जाता है तो वो जनता का। कहा जाता है राधा मोहन दास अग्रवाल लोकप्रिय नेता है, इस पर क्या कहना? नहीं जी बिल्कुल, हमारे लिए तो बिल्कुल ही लोकप्रिय नहीं है। अब चूंकि वो एक मंदिर का मतलब एक बीजेपी का बैनर मिल जाता है और मंदिर का सहयोग मिल जाता है तो एक उस मुद्दे पे हम लोग उनको वोट देते हैं। आने वाले समय में आपको कैसे रामशंकर, हम चाहेंगे आप इनसे हमारी समस्याओं को सुने। अब जाके सिर्फ रामशंकर, हम चाहेंगे आप इनसे पूछे जो महंगाई इस वक्त है उसको लेकर इनका क्या कहना है? जो इस वक्त महंगाई है उसको लेकर आपका क्या कहना? महंगाई तो है और हमारे हिसाब से ये 5 किलो राशन और 2000 रुपया किसान को देने से काम नहीं चलने वाला है और रोजगार की जरूरत है। और पिछले 7 साल की सरकार जा रही है केंद्र में और कोई भी योजना अभी तक मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट नौकरी मोदी जी के वहां से नहीं आई है। और योगी जी भाई प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं तो हम योगी जी की तारीफ कर। तो आने वाले समय में कैसा विधायक चाहते हैं? हमारा विधायक हमारी समस्याओं को सुने। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जल निकासी की समस्या है, जल निकासी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो समस्या खत्म नहीं हो रहा। और भी लोग हैं वहाँ पर, हम चाहेंगे आप उनसे भी सवाल करें, उनसे भी सवाल करें। और सवाल ये भी पूछिए कि लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं या फिर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के जो करंट में विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल उनसे नाराज है, नाराजगी आखिर किस चीज की है? आप हमें ये बताइए, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं कि जो विधायक जी हैं उनसे नाराज हैं? क्या नाराज क्यों किसी से रहेंगे, हम जनता हैं, जनता को नाराज होने का हक ही नहीं है। और खासतौर से इस सरकार में तो कोई भी नाराज नहीं हो सकता है। अच्छा, कतई नाराज नहीं है, बहुत खुश है। भले हम कमर भर पानी में जाएंगे, हमें कभी बुराई नहीं कर सकते हैं जनता अपने सरकार की। आप जो इस वक्त की महंगाई है उस पे क्या कहना आपको? महंगाई है तो उससे क्या, महंगाई कब नहीं रही है जैसा सुनने में आता है। 250 रुपया न किलो तेल है, 250 रुपया किलो तेल है, 5 किलो अनाज खाने को मिली जा रहा है, किसानों खाते में हम लोगों के खाते में 2000 रुपया आ ही जा रहा है। हमको चाहिए क्या भाई खाने के लिए? बस नमक तेल चावल इतना बहुत काफी है। अब बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन हो रही है, फीस तो देना ही नहीं हम लोगों को। रामशंकर, हम चाहेंगे आप एक सवाल ये भी पूछें, जो विधानसभा क्षेत्र है सदर विधानसभा, वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं, जो बुनियादी समस्याएं जो हैं वहाँ की, वो क्या हैं और क्या अब तक उसका निराकरण हुआ है, वो समस्याएं फिर अभी बनी हुई हैं? आप हमें ये बताइए, जो अभी यहाँ की मूलभूत क्या समस्या है, क्या उसका निराकरण हुआ है? अरे सारी समस्या एक बार हुआ था कि रहने खाने के लिए पुलिया, रहने के लिए कब्र, पहनने के लिए कफन, तीनों चीज तो समाधान हो गया भाई, उसके बाद क्या चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ कुछ और साथी हैं,
अब हम उनसे भी जानेंगे। आप लोग थोड़ा सा अंदर आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नाम है आपका? रीना श्रीवास्तव। रीना जी, अभी जो जिस तरह से जो विधानसभा से आपके विधायक जी हैं, क्या उनके आप कार्यों से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल। महंगाई पे क्या कहना? महंगाई पे चरम सीमा पे है उसके लिए तो। हाँ, आने वाले समय में आप कैसा विधायक चाहते हैं? एक अच्छा होना चाहिए जो हम लोग का भला कर सके, इसका। ठीक है, तो विधायक ऐसा होना चाहिए जो मिली जुली राय है लोगों की, और सबका कुछ का कहना है कि हम पार्टी से भी खुश हैं और नेता से भी खुश हैं, और कुछ की नाराजगी है कि पानी का जमाव है, जल भराव हो जाता है, हमें कमर तक पानी आ जाता है और अभी तक इसकी समस्या का निदान नहीं हुआ। शुक्रिया रामशंकर हमसे जुड़ने के लिए। तो हम गोरखपुर सदर विधानसभा की बात कर रहे थे, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा की। न्यूज़ खबरों का सारथी। तक धुम दस हफ्ते दस बजे दस मिनट धुम धुम तक धुम दस हफ्ते दस बजे दस मिनट डेंगू हट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम धुम तक इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो होगा, तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट डेंगू हट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है, दस हफ्ते दस बजे दस मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। दस हफ्ते दस बजे दस मिनट डेंगू हट। दस हफ्ते दस बजे दस मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है खुद ही अल्फाज़ों का नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बजी रणभेरी के लिए सभी पार्टियों के नेता और राजनेता पूरी तरह से तैयार हैं। सभी नेता जो हैं अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हर पार्टी चुनाव से पहले हर वो प्रयास कर रही जिससे जनता को लुभाया जा सके। अब बात करेंगे बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा की, साथ ही जानेंगे शिकारपुर जनता का मूड क्या है, आगामी चुनाव को लेकर जनता इस बार किस मूड में है। उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग पैटर्न भी जातिवाद के आधार पर ही हो रहा है। जातिगत स्तर पर देखें तो इस सीट पर सर्वाधिक ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं, तो उसके बाद जाट मतदाताओं की संख्या है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद की शिकारपुर विधानसभा की पहचान इस खासियत के साथ है कि यह सीट कभी किसी खास नेता के लिए नहीं रही और यहाँ के लोगों ने बार बार नेता बदला। 1990 के बाद से भाजपा यहां के 5 बार जीत हासिल कर चुकी है। ब्राह्मण बाहुल्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है और यहां से वर्तमान विधायक अनिल शर्मा प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी रहे हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस, सपा और बसपा भी इस सीट पर चुनाव जीत कर अपना परचम लहरा चुकी है। 2022 में सभी दल के प्रत्याशी सीट जीतने के लिए आंकड़े पर भी हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस, सपा और बसपा भी इस सीट पर चुनाव जीतकर अपना परचम लहरा चुकी है। 2022 में सभी दल के प्रत्याशी सीट जीतने के लिए आंकड़े फिट कर रहे हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केन्यू संवाददाता अनिल मीणा ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी। किसानों को ऐसा कोई लाभ ना मिलो और महंगाई ज्यादा है और
डीजल पेट्रोल ये महंगे हैं और उसके साथ साथ जो है किसान जो है पूरी खेती सही ढंग से ना कर पावे और किसान के खेत को ये जो गाय बाजार जो है इनको ज़्यादा परेशान करें, रखाने में बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है फसल ना है पावे और यहाँ के विधायक ने कोई ऐसा काम ना करो कि जिससे कि किसान को लाभ है सके। राहत तो है इस सरकार में, भाजपा की सरकार में बहुत राहत है व्यापारियों को, व्यापारियों की सुरक्षा है और भी काफ़ी राहत दी है व्यापारियों ने। महंगाई बहुत है इस सरकार में, सरकार ने व्यापारी ने कुछ नहीं किया और जो है तुम्हारे जो विधायक मंत्री हैं क्षेत्र से उन्होंने ज्यादा कोई विकास कार्य नहीं किए क्षेत्र के अंदर। हाँ उन्होंने विकास कार्य किए थे क्षेत्र के अंदर, पब्लिक की समस्या सुनी थी, दूर की थी, काम सही कर रही है लेकिन पर हम नहीं कुछ कर पाते हैं, परेशानी इधर लेन देन के लिए किसी चीज़ के लिए भाग दुख करते हैं, कोई परेशानी आती है सरकारी काम वालों से भी। 2022 में कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तक काम सही कर रही है, लेन देन किस बात है लेकिन हमें मिल नहीं पाता इस मजदूरों को। बाजार में महंगाई है या चीनी पत्ती की सबकी महंगाई है, ये कैसे कर ले? हम ये चाहते हैं कि मद्दा है जाए तो खाना में किसान लोग ले ले, हम सब गरीब लोग। तो जिस तरह से आपके यहाँ जो एक विधायक हैं उन्होंने आपके तरफ कोई विकास कार्य किए हैं? ना कुछ नहीं किया है। आइए आपको बताते हैं बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा में कौन कौन रह चुका है विधायक। 1980 में कांग्रेस के धर्म सिंह भारी मतों से जीत कर हासिल कर विधायक बने थे। साल 1985 में त्रिलोक चंद दमकिया पार्टी से, 1989 में गंगाराम जनता दल से, 1991 में जीते जबकि 1993 में बीजेपी से मास्टर राम प्रसाद विजय हुए थे। साल 1997 में हुए चुनाव में भाजपा के महेंद्र वाल्मीकि ने जीत हासिल की। साल 2002 में मुंशी लाल गौतम भाजपा से, 2007 में बसपा से वासुदेव सिंह और 2012 में मुकेश शर्मा सपा से चुनाव जीते तो 2017 में फिर भाजपा से अनिल शर्मा इस सीट पर विजयी हुए। साल 2017 में चुनाव जीते अनिल शर्मा प्रदेश सरकार पर जलवायु वन पर्यावरण राज्य मंत्री बने तो उनकी विधानसभा क्षेत्र और जनपद में पार्टी संगठन और प्रशासन में खासी पकड़ रही। 2022 का चुनाव खासा महत्वपूर्ण है, प्रदेश के राज्य मंत्री अनिल शर्मा इस सीट को दोबारा कब्जा करना चाहेंगे, साथ ही विरोधी चाह रहे हैं कि भाजपा का वर्चस्व इस सीट से खत्म हो और उनका नंबर आए जिसमें सपा और बसपा मोर्चा मारते दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी रण कौन फतेह करेगा। बुलंदशहर से के न्यूज इंडिया के लिए अनिल मीणा की रिपोर्ट। इसमें 2022 के चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा की, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं शिकारपुर विधानसभा में, जहां अगर हम बात करें कुल वोटों की तो यहां करीब 3.25 लाख वोट हैं और पुरुषों की वोटों की बात करें तो 1,70,885 करीब वोट हैं और महिलाओं की बात करें तो 1,52,625 वोट हैं। अब देखिए 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 में शिकारपुर का विधायक कौन बनेगा और किसको सिर पर जनता जीत का सेहरा बांधती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीणा, के न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। तो शिकारपुर विधानसभा में लोगों की मिली जुली राय, हमारे संवाददाता अनिल मीणा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अगर बात करें शिकारपुर विधानसभा की तो चाहे हमेशा हमने देखा है कोई खास नेता कोई खास पार्टी का जुड़ाव लोगों से नहीं रहा है, हर बार इन्होंने प्रत्याशी बदला है पार्टी बदली, क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? हम चाहेंगे आपके साथ जो लोग मौजूद हैं आप उनसे उनकी वहाँ की समस्याओं के बारे में पूछें और उनकी राय क्या है इस बार वो जाने। जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आप दे मेरे साथ यहाँ काफी युवा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है और आपके किस तरह का विधायक चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी प्रशांत नाम है मेरा। अच्छा, किस तरह का विधायक चाहते हैं आप? तरक्की हो यार, रोड बने हमारे यहाँ पर, रोड में घटे हैं, महंगाई कम हो। इस समय जो वर्तमान विधायक है उन्होंने क्षेत्र में कुछ विकास कार्य किए? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया, आते हैं घूम के चले जाते हैं। तो आगे 2022 में किस तरह का विधायक चाहते हैं? रास्ते हुआ बढ़िया और कोई महंगाई कम हो और आने जाने के लिए वो साधन हो। आम जनता बहुत परेशान है, बहुत परेशान है आम जनता। देखिए एक और युवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बेरोजगारी को लेकर बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा बिल्कुल रोजगार ही नहीं है सर, और बेरोजगारी की तो बहुत ही ज्यादा साहब, बेरोजगारी बहुत है हमारे देखो देश में। अनिल हम चाहेंगे आप उन लोग से सवाल पूछिए जो क्षेत्र है, क्षेत्र की जो बुनियादी समस्याएं क्या हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई हैं। बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज्यादा। अच्छा, क्षेत्र की जो मेन समस्या, क्षेत्र की मेन समस्या क्या है जो अभी तक दूर नहीं हो पाई है? सर मेन समस्या तो देखिए, सड़क बहुत ज्यादा खराब है, आने जाने की सुविधा बहुत बेकार है, रास्ता नहीं है, और गांव में देखो तो बहुत बुरे हाल है। विधायक आते हैं सर, लेकिन देखकर चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, विकास नहीं करते, कोई काम नहीं करते, सुनवाई नहीं करते हैं, और अपने मन की ही बात करते हैं, जनता की बात तो सुनते ही नहीं है। अच्छा, क्या अब 2022 में आप विधायक बदलना चाहेंगे यहाँ? सर देखिए, ऐसा है कि बदलना चाहेंगे क्योंकि जनता को तो विकास चाहिए, जनता को तो बढ़िया रास्ते चाहिए और रोजगार चाहिए, महंगाई को जो कम करे ऐसा विधायक चाहिए, ऐसा नेता चाहिए। तो यही हम चाहेंगे कि आने वाले जो 2022 में जो चुनाव है, ऐसा हमारा विधायक हो जो विकास कर सके। अनिल, अगर शिकारपुर विधानसभा की बात करें तो पिछले 2002 से लेकर 2022 तक बेरोजगारी को खत्म कर सके, 2017 तक अगर बात करें तो 2002 में बीजेपी के प्रत्याशी था, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आती है, हर बार जो इलेक्शन होते हैं नई पार्टी सामने आती है, नया प्रत्याशी सामने होता है, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा कि नई पार्टी आएगी, नया प्रत्याशी होगा, फिर बीजेपी जो है इस बार फिर वहां जीत दोबारा हासिल करेगी? खराब क्या हर वर्ष ऐसा होता है कि शिकारपुर पे विधायक हर पार्टी का अलग अलग बनते हैं, क्या 2022 में भी आप लोग चाहेंगे कि विधायक अन्य पार्टी का हो? हाँ देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा तो वही मुद्दा है सर कि जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा, और जो हमारे सुनेगा उसको वोट मिलेगा, जो हमारे रास्तों को सड़कों को सही करवाएगा उसको जनता वोट देगी, और जो बेरोजगारी को दूर करेगा उसको वोट देंगे। और हमें सर पार्टी से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तो विकास चाहते हैं, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है, बहुत ज्यादा युवा मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी सुनने वाला नहीं है, तो जो सुनेगा, जो हमें रोजगार देगा। अनिल, ये जो क्षेत्र है ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, ये विधानसभा ब्राह्मण बाहुल विधानसभा कही जाती है, उसके बाद जाटों की बहुत ज्यादा संख्या है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को इस बार फिर से मिलेगा? जी बिल्कुल शैलेंद्र, अगर मैं आपको बता दूं, अगर इतिहास अगर ब्राह्मण बाहुबल सीट की अगर बात करें तो ब्राह्मण बाहुल करीब 58,000 वोट ब्राह्मणों की है, और जाट की बात करें तो जाट करीब 54,000 है, अगर मुस्लिम वोटों की बात करें तो मुस्लिम वोट यहाँ 52,000 है, और दलित वोट की बात करें तो दलित करीब 48,000 वोट है। लेकिन यहाँ जो 2022 का जो किसी भी प्रत्याशी का, पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो जीत की जीत तय करती है वो यहाँ मीणा समाज के लोग तय करते हैं, क्योंकि मीणा समाज के यहाँ जो वोट है वो करीब 34,000 वोट है, और जो 34,000 वोट जिस पार्टी की तरफ चली जाती है वही उसी पार्टी का यहाँ विधायक बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि हर एक ही विधायक यहाँ आते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं। अनिल आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम इसके बाद भी इसी पर चर्चा करेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश विश्व पटल पर अपनी नई छाप छोड़ रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सिर्फ दावे नहीं, अपने मजबूत इरादे से योगी सरकार ने प्रदेश के जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ और गन्ना किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान कर प्रदेश के किसानों को उनका हक दिया। मिशन रोजगार के तहत 4.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और 1.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया है। मुफ्त टीका और मुफ्त इलाज देने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बना। हर घर नल योजना का लाभ, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी को नंबर वन बनाया है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोगों ने सुनिश्चित की। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर करने के साथ महिलाओं का मान सम्मान भी बढ़ाया है। अपनी मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने
यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। एक इरादे पूरे किए वादे। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भेजा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा की, जहां पर इस वक्त का खासा राजनीतिक माहौल है। इसी पर हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, अनिल मीणा। अनिल, आपके पास एक बार फिर से आएंगे और जानेंगे कि हमने ब्राह्मण की बात करी, जाट की बात करी, लेकिन जो दलित वोट है वहां पर और खासकर जाटो वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं मायावती का कोर वोट माना जाता है। तो क्या बीजेपी की कोशिश है और शुरू से रही, जब से 2014 में केंद्र में आई है, कि जो ये दलित वोट है खासकर जाटो वोट बैंक, उसमें किसी तरह सेंधमारी की जाए? क्या बीजेपी वो सेंधमारी कर पाएगी और मायावती अपने वोट को बचा पाएंगी इस बार? जी बिल्कुल, मैं शैलेंद्र आपको बता दूं, जनता बुलंदर शिकारपुर विधानसभा की बात कर, जिस तरह दलित वोट जो 48,000 है वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें शिकारपुर विधानसभा की, तो बीजेपी प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो समाजवादी पार्टी के जो दावेदार है, वही लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अब देख, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि 2017 का जो चुनाव हुआ था, उसमें बसपा का जो प्रत्याशी था दूसरे नंबर पर रहा था, लेकिन वहां कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी ने जीत की बाजी मारी थी। लेकिन उसको लेकर अगर हम बात करें, तो यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी है और लगातार सरकार में विधायक, वो भी क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, दलित समाज के वोटों को तोड़ने के में भी लगे हुए हैं। और जो दलित समाज के कुछ ऐसे लोगों को भी उन्होंने जिला जो अनुसूचित मोर्चा के कुछ जिला अध्यक्ष भी बनाए हैं उनके वोट तोड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जो बीजेपी जो दलित समाज के लोगों को कुछ ना कुछ पद दे रही है, तो क्या उन पदों से वोट तोड़ पाएगी या नहीं, ये 2022 के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण बात रखते हैं। लेकिन अभी तक अगर बसपा की बात करें, तो बसपा ने कोई भी प्रत्याशी यहाँ अभी ऐसा मैदान में नहीं आया है, ना ही कोई अभी क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी यहाँ जनता के संपर्क में नहीं आया। लेकिन यहाँ सिर्फ दो ही पार्टियों के जो प्रत्याशी है, जो आरएलडी और सपा की जो बात की जा रही है, अगर आरएलडी और सपा का गठबंधन होता है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सपा या आरएलडी को भी यहाँ जो प्रत्याशी बाजी मार सकता है। अगर दोनों में अगर गठबंधन नहीं होता है, तो देखना यह होगा कि अगर ब्राह्मण को ही यहाँ ज्यादातर प्रत्येक पार्टियां ब्राह्मण को ही उतारने के इच्छुक है, तो अब देखते हैं कि जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में बने राज्य मंत्री, उनके भी सीट काटने के लिए कई लोग उनकी लाइन में लगे हुए हैं। एक आरएसएस के जो नेता है भूपेंद्र गौड़, वो भी अपने अपने पार्टी के लिए सरकार विधानसभा से सीट की दावेदारी कर रहे हैं। एक उनके कार्यकर्ता राजीव राघव, वो भी सीट की दावेदारी की बात कर रहे हैं। और एक खुद जो उनकी पार्टी में मंत्री भी है चंद्रमोहन, वो भी अपने लिए सरकारपुर से ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी के जो जो संगठन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या जो बंद राज्य मंत्री हैं उनकी टिकट को काट पाएंगे या नहीं, तो हो सकता है। लेकिन उनकी अगर उत्तर प्रदेश के यहाँ जो जनता का मूड है, जनता का मूड ये है कि अगर मंत्री अनिल शर्मा की टिकट कटती है, तो अनिल शर्मा को ही लोग यहाँ ज्यादातर पसंद करते हैं। अगर अनिल शर्मा की टिकट के बजाय दूसरा बीजेपी का कोई प्रत्याशी आता है, तो वो उनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी के लिए कोई भी यहाँ किसी तरह वोट नहीं दी जाएगी। अब देखना होता कि जनता की बात को माना जाता है, संगठन की बात को माना जाता है, तो तीन लोग मंत्री जी की वोट को कटवाने में भी लगे हुए हैं, तो क्या वो भी अपनी वोट को कटवाने में सफल हो पाएंगे, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है जी। अनिल, अगर बात करें, जैसा आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसका वोट बहुत अच्छा है, बहुत कोर वोट है उसका वहां पर, अगर बात करें 2007 की विधानसभा की, तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीता था, और 2012 और 17 में भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था, तो ये भी कह सकते हैं इस बार क्या फिर से बहुजन समाज पार्टी वापसी कर सकती है, क्योंकि सभी पार्टियां इस वक्त प्रभुत्व सम्मेलन कर रही हैं और प्रभुत्व वर्ग को रिझाने की कोशिश है, और प्रभुत्व वर्ग में किस वर्ग को रिझाने की कोशिश है सभी जानते हैं, तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, अगर ब्राह्मण का वोट शिफ्ट होता है बहुजन समाज पार्टी में, तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है बीजेपी के लिए।
जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें तो जितनी भी पार्टी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें, सपा की बात करें, और जो सपा और आरएलडी गठबंधन की बात करें तो वो भी सपा और आरएलडी गठबंधन की इसी बात पे निर्भर है कि आखिरकार जाट जो जाट की वोट है वो भी 54,000 वोट है और ब्राह्मण की वोट है वो भी 58,000 वोट है, तो आखिरकार कौन सी पार्टी का प्रत्याशी उतारना चाहिए मैदान में। तो सबसे बड़ा सपा और आरएलडी को भी ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिर कौन सी किसका प्रत्याशी उतारेंगे। कि अगर ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्राह्मण में क्योंकि वन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के जो राज्य मंत्री है और सरारू विधायक अनिल शर्मा वो यहाँ पहले से ही ब्राह्मण है, और दूसरे अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशी जो ब्राह्मण है वो भी एक अपने विधायकी के लिए ताल ठोक रहे हैं, और जो अगर कुछ जाटों की बात करें तो समाजवादी के जो कार्यकर्ता एक पूर्व प्रमुख जो है केलावन के राकेश शर्मा है वो भी अपनी समाजवादी से वोट के लिए ताल ठोक रहे हैं, और जाटों की बात करें तो जाटों में से एक पिंटू प्रमुख है वो भी अपने समाजवादी के लिए, और एक अमन चौधरी जो जिला पंचायत इस समय वर्तमान है वो भी सरारपुर से सीट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं और वो भी जनता में लगातार घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दलित की तो दलित में अगर जिस तरह से बुलंदशहर में भी एक प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था जिसको राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा जो समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं उन्होंने यहाँ आके सम्मेलन को भी किया था, उन्होंने ब्राह्मणों को एक होने की बात कही थी और ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कहा था कि जो बसपा में ही सम्मान मिलता है ब्राह्मणों के लिए, तो अब देखना ये होगा कि जो बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को किसको यहाँ प्रत्याशी उतारती है, अगर बसपा का अगर कोई प्रत्याशी उतरता है तो वो बसपा की वोट भी काटेगा और जो दलित की वोट है वो तो मायावती को जाती है, तो हो सकता है कि बसपा का ही प्रत्याशी कहीं बाजी ना मार जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यहाँ जो राज्य मंत्री है उनको भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि कहीं वो वोट का जो दलित वोट है उसको काटने में सफल हो पाते हैं नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ होता है कि बीजेपी में चार जो लोग हैं वो भी अपनी अपनी सीट टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, अब देखना ये होगा कि बीजेपी आगे किसको मैदान में उतारती है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुरेंद्र जी, अनिल अगर बात करें अनिल शर्मा की जो वर्तमान विधायक हैं और मंत्री भी हैं, पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं, इनकी जो पृष्ठभूमि है, हालांकि नाराजगी कुछ लोगों में है इनको लेकर, लेकिन इनकी जो पृष्ठभूमि है, इनका जो बैकग्राउंड है, कई सारे प्रधान ग्राम प्रधान इनके परिवार से आते हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में विधायक रह चुके हैं, दो बार विधायक रह चुके हैं, उसके बाद बीजेपी में आकर ये विधायक हैं, तो इनको हटाना आसान नहीं है। बीजेपी के पास विकल्प क्या है, इनकी जगह किसी और को लाना? जी बिल्कुल सुरेंद्र, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा सवाल यही मुद्दा सबसे बड़ा सरकार को विधानसभा पे आता है कि जो अनिल शर्मा जो विधायक हैं और वन राज्य मंत्री भी हैं, कि उनकी जो खुद शिकारपुर के रहने वाले हैं, सुरजावली उनका गांव पड़ता है, और जो क्षेत्र की अगर जनता की बात करें जनता में उनका जो वर्चस्व है बहुत ही ज्यादा बना हुआ है, अगर आम जो लोग और जो सीट टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं लेकिन उनका इतना वर्चस्व नहीं है, लेकिन अगर संगठन की बात करें तो संगठन में कुछ मंत्री जी से नाराजी तो हो सकती है, लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता में मंत्री को जी को लेकर कोई भी इस तरह की नाराजी देखने को नहीं मिल रही है। जनता का कहना है कि यहाँ जो सरारपुर से जो बीजेपी के अगर बीजेपी के प्रत्याशी को उतारा जाता है तो अनिल शर्मा ही उतरना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि संगठन में देखते हैं कि जिस तरह से आरएसएस के भी एक व्यक्ति हथकर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं जो आरएसएस से काफी दिन से साथ है, भूपेंद्र गौड़ है, और जो एक उनके कार्यकर्ता है जो पिछली बार भी उन्होंने टिकट के लिए दाल ठोकी थी, जो राजीव राघव है वो भी टिकट के लिए उन्होंने जो यहाँ तिरंगा यात्रा भी निकाली थी सरारपुर विधानसभा में, और जो एक जो पार्टी में मंत्री हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं जो चंद्रमोहन है वो भी यहाँ सरारपुर से बताए अपने टिकट के लिए बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो उनके मंत्री जी के टिकट को कटवाने लगे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो संगठन है बीजेपी का संगठन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो मंत्री जी को टिकट देते हैं या उनकी टिकट करती है, अगर उनकी टिकट करती है तो बीजेपी के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो विपक्षियों को हरा सके। तो सबसे बड़ा जो अब देखना यह होगा कि जो सबसे 2022 का चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि हर प्रत्येक पार्टी अपने जीत की लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है और जो मुस्लिम वोटों को काट लेके ओबीसी ने भी अपनी ताल ठोक दी है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए खड़ा होगा कि उन्हें ऐसा प्रत्याशी उतारना चाहिए जो जमीनी स्तर से जुड़ा हो, जो जनता के बीच का हो। तो लोगों की जो अधिकांश बीजेपी को अगर वोट देने की बात की जा रही है तो बीजेपी के लोगों को बात की जा रही है कि अनिल शर्मा को अगर यहाँ से टिकट मिलती है तो अनिल शर्मा ही एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो सीट को निकाल सकते हैं, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की ऐसी वो नहीं है जो यहाँ से सीट निकाल दे। जब अगर विपक्षियों की बात करें तो गुड्डू पंडित भी लगातार जो दो बार विधायक भी रह चुके हैं, एक बार बसपा से विधायक रहे थे और एक बार सपा से भी जो डिबाई विधानसभा से विधायक रहे थे वो भी शिकारपुर में लगातार लोगों से जनता से संपर्क बनाए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गुड्डू पंडित भी कई
सपा से या आरएलडी से टिकट ले जाए तो गुड्डू पंडित मैदान में आता है, तो अगर गुड्डू पंडित अगर मैदान में आते हैं तो उनको हराना किसी अन्य प्रत्याशी के लिए बड़ा ही खीर होगी। और क्योंकि अगर उनके लिए अगर मात दे सकते हैं तो एक यहाँ शिकारपुर में एक अनिल शर्मा ही एक ऐसे हैं जो गुड्डू पंडित को हरा सकते हैं, अन्यथा जो लोगों का कहना है कि किसी को गुड्डू पंडित को हराना किसी के बस की नहीं है। तो शैलेंद्र ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, शिकारपुर की जो सीट है 2022 के लिए बहुत ही अहम मानी जा रही है और अब हर एक प्रत्येक जितनी भी पार्टियां हैं जितनी भी पार्टियों को राष्ट्र देते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार शिकारपुर विधानसभा में कैसे ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाए जो अपने लिए सीट निकाल सके। तो अब गुड्डू पंडित भी लगातार समाजवादी के उनके भाई भी जो मुकेश पंडित हैं वो भी समाजवादी में अब घुस चुके हैं, अब गुड्डू पंडित भी लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बता सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि गुड्डू पंडित आरएलडी में भी जा सकते हैं। जबकि आरएलडी में जाते हैं और आरएलडी ने और सपा का गठबंधन होता है और अगर यहाँ शिकारपुर से उनको टिकट मिलती है तो 54,000 जिस तरह से सीट है और जिस तरह से गुड्डू पंडित की लगातार क्षेत्र में छवि बनी हुई है, जनता में छवि बनी हुई है, लगातार गुड्डू पंडित प्रत्येक लोगों के दुख सुख में जा रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है कि गुड्डू पंडित यहाँ जीत का सेहरा अपने सिर न बांधना, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अनिल शर्मा की सीट को भी काटना बहुत ही केड़ी खीर माना जा रहा है, लोगों का अधिकांश जो जनता है उनका कहना यह है कि अनिल शर्मा को अगर बीजेपी से टिकट मिलती है तो उनको कोई नहीं हरा सकता है। तो अब देखना यही होगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो बीजेपी का संगठन है, क्या जो मंत्री जी हैं उनके लिए दोबारा यहाँ से प्रत्याशी घोषित करेंगे, क्या नया प्रत्याशी कोई लाएंगे, क्योंकि अनिल शर्मा के अलावा कोई भी बीजेपी में इस कार्य में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो इनके अलावा कोई यहाँ प्रत्याशी सीट को निकाल सके। अनिल जो विधायक है अनिल शर्मा, जब इनको मंत्री बना दिया गया उसके बाद क्या अक्सर देखा जाता है किसी विधायक को अगर मंत्री में बनाया जाता है, मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाता है, उसके बाद वो ज्यादा समय जनता के बीच नहीं दे पाता, क्या अनिल शर्मा जनता के बीच समय दे रहे हैं, समय दे पाए? हम चाहेंगे आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि विधायक जी लोगों को समय देते हैं या फिर घर में कैद रहते हैं, लखनऊ में बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं जनता के लोगों से बात करता हूँ, मैं और खुद बता दूं, लेकिन ज्यादातर मंत्री जी मंत्री बनने के बाद अपने शिकारपुर विधानसभा में ही समय दे रहे हैं। और देखिए मैं उन कुछ मेरे साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, कुछ युवा वर्ग के लोग भी मौजूद हैं, देखिए कहीं ना कहीं और जो मजदूर वर्ग के लोग भी हैं, देखिए कुछ खेली वाले लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं और जो विधायक जो मंत्री हैं इस वक्त क्या उनको चाहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या क्षेत्र में मंत्री जी जो इस समय वर्तमान में मंत्री हैं और विधायक भी हैं वो क्षेत्र की जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं? देखिए एक साथ एक व्यक्ति एक युवा व्यक्ति मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं, क्या जो इस समय जो शिकारपुर से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री हैं, क्या वो जनता के बीच आ रहे हैं? आते हैं, हमारा काम कुछ नहीं हो रहा, रोड बोड़ रहे हैं, ये गड्ढे हो रहे हैं रोड में, रोजगार नहीं है हमारे गाँव में। तो क्या अब दोबारा भी जिस तरह से अगर बीजेपी यहाँ अगर मंत्री जी को दोबारा टिकट देती है तो क्या बीजेपी मंत्री जी के लिए आप सपोर्ट करेंगे? मतलब मंत्री जी को सपोर्ट करेंगे, मतलब ये भी तो करेंगे जो रास्ते बने, रोजगार आए, कंपनी वगैरह आए। बिल्कुल, तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई सड़कों की बात कर रहा है, हालांकि ये भी कहना है। क्या नाम है मंत्री जी? क्षेत्र में आते हैं, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बिल्कुल शुक्रिया अनिल आपका हमसे जुड़ने के लिए, लोगों की राय लेने के लिए, सभी की मिली जुली राय है, कोई नाराजगी व्यक्त कर रहा है, कोई कह रहा नहीं मंत्री जी समय देते हैं। एक विडम्बना इस विधानसभा के साथ ये भी है कि 2002 से लेकर 2017 तक अलग अलग पार्टी की सरकारें बन रही हैं और जिस जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में रही उसी का विधायक भी रहा है। फिलहाल अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत, बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ, नमस्कार।